वेलकम बैक टू माई चैनल. मेरा नाम है आद्या श्रीवास्तव. सो एज यू ऑल नो दैट रक्षाबंधन आने वाला है. सो आई केम अप विद दिस लुक एंड मुझे लगता है कि बहुत ही परफेक्ट लुक है डे फेस्टिवल के हिसाब से. अगर आप रक्षाबंधन में करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. बहुत ही ईजी स्टेप बाय स्टेप मैं मेकअप बताऊँगी आपको. अगर आप मेकअप बिगनर हो तो आप तब भी ईजिली कर सकते हो. सो होप यू ऑल लाइक इट. सबसे पहले मैं अपने फेस में मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ. उसके बाद मैं प्राइमर अप्लाई करूँगी. मैं सारे प्रोडक्ट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी. आप चाहो तो ऑनलाइन परचेस कर सकते हो. अब मैं अपना फेवरेट मेबेलिन न्यूयॉर्क सुपरस्टे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. इसको मैं अपने फेस में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. सो गाइस, मेकअप में ब्लेंडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. अगर आपको अच्छा बेस रेडी करना है तो ध्यान रहे आप अच्छे से ब्लेंड करो. सो अब मैं अपने अंडर आई और स्माइल लाइन में कंसीलर अप्लाई करूंगी. अगर आपको भी मेरी तरह अंडर आई पफिनेस की प्रॉब्लम है तो मैं एक ट्रिक बताना चाहती हूँ. आपको कुछ नहीं करना, बस अपने फ्रीजर से आइस क्यूब निकालनी है और उससे अंडर आई सेक कर लेना है. जब भी मुझे लगता है अर्ली मॉर्निंग उठ के कि मेरी आई काफ़ी पफी लग रही है तो मैं यही करती हूँ. एंड गाइज, इट रियली वर्क्स. अब मैं अपना कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, उसके हेल्प से मैं अपना बेस सेट कर लूँगी. अब मैं अपनी आईब्रो ड्रॉ करने जा रही हूँ. ये वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट है. अब मैं वेट एंड वाइल्ड न्यूड पेंसिल की हेल्प से आउटलाइन खींचूंगी अपनी आईब्रोज के अराउंड में और उसे अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी ताकि मेरी आईब्रोज को एक डिफाइंड शेप मिल जाए. गाइज, अब मैं कॉम्पैक्ट एंड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एज अ आई शेडो बेस. अगर आपके पास आई शेडो प्राइमर या आई शेडो बेस नहीं है तो आप कॉम्पैक्ट और कंसीलर यूज़ कर सकते हो.
सो अब मैं वेट एंड वाइल्ड का क्रीम आई शेडो अप्लाई करूंगी अपनी आईलिड में क्रीज तक। ये शेड है टोस्टी। मैं हाइलाइटर से इसे कवर कर दूंगी ताकि एक अच्छा सा पिगमेंट मिल जाए मेरे आई शेडो बेस को। अब मैं आउटर कॉर्नर में काजल अप्लाई कर रही हूँ, फिर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं डार्क ब्राउन आई शेडो यूज कर रही हूँ, इसको मैं आउटर कॉर्नर में अच्छे से लगा के ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं गोल्डन ग्लिटर लगाऊंगी, इसको मैं अपने फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ। सो मुझे लगता है फिंगर से इसके पिगमेंट्स अच्छे से लग जाते हैं एज कम्पेयर टू ब्रश। सो नेक्स्ट मैं आईलाइनर यूज कर रही हूँ। इसको कॉर्नर से ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं अपनी राइट आई का मेकअप कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा आई शेडो कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं मस्कारा लगाऊंगी। अब मैं काजल यूज कर रही हूँ। ये मैक का टेक्नोकोल लाइनर है, इसका शेड है पर्पल।
सो अब मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, मैंने न्यू शेड यूज़ किया है बिकॉज आईज़ ऑलरेडी काफ़ी ड्रामेटिक हो गई है। ये शेड है कलर बार का सोलफुल। सो सबसे पहले मैं लिपस्टिक ब्रश की हेल्प से लिप्स कॉर्नर ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से फिल कर दूंगी इसे। अब मैं अपने फेस में ब्लश अप्लाई करूंगी। बहुत ही अच्छा माइल्ड सा शेड है ये। ये शेड है मैक्का डेजर्ट रोज। अब फाइनली मैं चीक बोन में हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं अपने आईज में लैशेस अप्लाई करूंगी। अब मैं लाइनर की हेल्प से इसको फिनिशिंग दे रही हूँ। सो फाइनली मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी और इनको अपने नेचुरल लैशेस के साथ ब्लेंड कर लूंगी। सो हेयर्स के लिए पहले मैंने साइड पार्टीशन कर लिया है। अब मैं पतली सी स्ट्रैंड लेके उसे ट्विस्ट कर रही हूँ और बस पैक में फंसा के बॉब पिन लगा दूंगी। सेम मैं एक और स्ट्रैंड ले रही हूँ और उसे ट्विस्ट करके मैं वैसे ही बॉब पिन लगा दूंगी। बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है ये और इंडियन लुक में बहुत ही अच्छी लगती है। सो गाइज आई एम ऑल डन, दिस इज माई फाइनल लुक। सो दैट्स हाउ यू डू दिस लुक एंड आई होप कि आप सबको ये पसंद आए एंड प्लीज सजेस्ट मी सम टॉपिक्स तो मैं आगे चल के वीडियो बना सकूँ फ्यूचर में। एंड आप चाहते हो अगर कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है। तो अगर आपको पैटर्न रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं या मेकअप रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे तब भी इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू देन, बाय बाय।